वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। आज की व्लॉग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ये है हमारा रिंग पिट विधि का गन्ना। आप देख सकते हैं, एक बार बहुत ज़्यादा बारिश के कारण ये गन्ना गिर चुका था। और ये इधर है हमारी मक्का, ये इधर है सादा गन्ना, ये इधर भी पता नहीं ना। तो ये देखो, ये रिंग पिट विधि का है। आप इसके अंदर देख सकते हो, जगह है, अच्छे अच्छे से सारा गन्ना दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से ऊपर से ही अच्छे अच्छे से हर एक गन्ना दिख रहा है कि वो गन्ना कैसा हो रहा है। उधर तक ही है ये, जहाँ खम्भे गड़ रहे हैं, हर जगह से दिख रहा है कि ये गन्ना कितना अच्छा बुरा है। और आप देख सकते हैं, नीचे इसमें हरी हरी घास ही दिख रही है, पत्ती नहीं दिख रही इसमें बिल्कुल भी। और ये हमारे सादे गन्ने, ये रिंग पिट विधि का हमारा आविष्कार था। कि कैसा जाए वो तो फिर मिल में जाएगा तो पता चलेगा। अगले महीने से कटाई शुरू हो जाएगी, अभी टाइम आने वाला है गन्नों को जाने का। ये तटस्थ है, इसके ऊपर कीड़ा बैठा है, देखता हूँ इसमें ही क्या लग रहा है। ये हमारी ट्वेलन है वाली, देखो ये हमारी नई ट्वेल है, इसको पेंट करा रखा है, ऐसा लग रहा है ना पेंट करा रखा है। देखो पापा, इसमें पेंट कब कराया था? देखो पल्ली कैसे साफ कर रहे हैं पापा, डंगरों के पीसाब का। जो इसमें दो दिन तक गोबर खड़ा रहे ना, गोबर पिसाब का डंगरों के, डंगर बोल लो या एनिमल बोल लो, एनिमल्स के गोबर पिसाब का, एनिमल्स के वेस्टेज का है ना पापा, एनिमल्स के वेस्टेज का। ऐसा नहीं मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को आती है इंग्लिश। और आप देख सकते हैं, ये हरी भरी फसल चारों तरफ, और बीच में एक कमरा मतलब ट्वेल, और इधर सारा अढ़ावा है, इसको हम साफ करेंगे जल्दी ही। यह है बेल किसी चीज की, शायद खाने वाली चीज की बेल होगी, मेरे को इतना नहीं पता, मैं बहुत दिन आया हूँ खेत में। और आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको टन का करना दिखाऊंगा, दो मिनट बाद, दो मिनट लेटर। यह हो गई सांप, सांप पानी निकल गया। जब तक सांप पानी नहीं निकलता तब तक ये होती नहीं सांप। हमारे यहाँ मेढा उग गया था। हाँ जी, देख कीड़ा कितना बड़ा होने के बाद भी कीड़े ने इन दो गन्नों में से एक गन्ना खत्म कर दिया। अब ये नीचे से दूसरे फूट का आएंगे है। और जो देख पोगे में भी कीड़ा लग गया, तो अभी 38 की जो है ना कहानी, एक आध साल का ही रह गया। इसे तो बढ़िया उपाज रहा, और बीज जो है, बीज तो खैर और बहुत बढ़िया बढ़िया आ गया हमारे पास में। देखा जी, हम जी, हाँ जी, देखियो देख, ये 89014 है, यो जो शुरू से चल रहा था, ये तो बांध दे, ये मानते नहीं हमारे बंदिया। ये देख मोटाई, देख गन्ने कितना बेहतरीन गन्ना, इसे भी हम आधे से ऊपर काट के बोएंगे। मोटाई भी है इसमें बहुत, मोटाई थी वो, एक कोने का मेढा था वो, उसने शराब पी के मिंदर ने तोड़ दिया था। ये वाला देखिए, इसके पोगे और भी निकल आए, बड़े बड़े हो गए। ये जो मेढा था हमारा, ये मिंदर ने जो था शराब पी के तोड़ दिए थे, ये तीन मेढे तोड़ दिए थे, तो फिर ये इसके साथ में बांधना पड़ा। अब वो तो यो कह रहा कि मैं इसमें अलज के गिर गया इसलिए टूट गया, लेकिन मेढा इतना बड़ा था, इतना जबरदस्त मेढा था, ये हमने डेमो के लिए एक आंख लगा रखी थी यहाँ, तो ये बहुत ही बेहतरीन चल रहा था। लेकिन चलो जो भी हुआ, जैसे भी किया उसने, जिस भी तरह से, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस 89014 बीज को पास करता हूँ। इस पे कहीं भी शायद वो नहीं लग रहा कीड़ा, नहीं कीड़ा तो इसमें कम है ना के बराबर ही है, लेकिन ये बंधाई से खराब हो जाए जैसे इसे बांध दें। अच्छा, ये ज्यादा नहीं बंधवाना चाहिए, ये तो बीज बहुत बेहतरीन है, इसे तो लोग समझ ही नहीं पाए। हाँ। अगर इसे ट्रेंच में बोते और इसे जो है अब करीब 40-42 इंच पर बोएंगे इसे। पापा जी, तो अभी हमारे पास कौन कौन से बीज है, इधर आ जाओ। हमारे पास में बीज है, एक तो ये 89014 हो गया, ये तो खैर काफी पुराना बीज है लेकिन अच्छा चल रहा। एक ये हो गया 35-13235, दो मिड्ढे नए 38 के हैं, करीब 20 से 22 गन्ने हैं नए 38 के, पुराना 38 अपना चल ही रहा है।
और जो है बाकी और दो तीन बीज और आएंगे, 14201 आएगा तो अभी चार, अभी चार चार बीज है। अब की बार हमारे पास में 5 बीज हो जाएंगे। अच्छा। 5 बीज में जो भी अच्छा चलेगा, जिसे भी हमारा मील, जो हमारा दोराड़ा शुगर मील लगता है, जो मील उसे, जिस भी बीज को हमारे कामदार और हमारी मील सोसाइटी और हमारा मील खुश होकर लेगा, उसी बीज को फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, जो अंडा चल रहा है उसको, क्योंकि बेटे पहले जो सामान्य बीज थे ना, जब ये 38 बीज आया था जिसे आज लोग नंबर 1 बता रहे हैं, ये हमने बो के खत्म कर दिया था। थोड़ा सा बोया था उसमें, सुअर और गिद्दड़ आ गए थे बहुत ज्यादा, वो सब बेकार हो गया था। तो मील वाले कह रहे बो इसे बो, हमने कहा नहीं बोरे नहीं बोरे। तो फिर मील ने क्या करा था, जो हमारे पास में सामान्य बीज था उसकी पर्ची देनी बंद कर दी। अच्छा। लोगों को परेशान कर दिया पूरा। अब लोगों की बुद्धि थी कि उसे ही बोए जा रहे थे, उसे ही बोए जा रहे थे, 38 पे नहीं आ रहा था कोई भी। तो मील ने इतना ज्यादा जोर दिया, इतना ज्यादा जोर दिया कि धीरे धीरे लोगों ने 38 बोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जमीन उसे 3-4 साल में पकड़ गई, फिर ऐसा पकड़ा कि 38 ही 38 हो गया और बीज सब खत्म हो गए। लेकिन हम हमेशा 2-4 खूट बोते आए, हमने बहुत ज्यादा बीज बो के देख लिए। हमारे 48 और 67 और 50-50 अब तक चला जुड़े जो थे हमारे पास में। लेकिन ये समय के साथ में दूसरा हो जाओ। अब देखो जैसे ये बाजरा आ गया, अभी इसकी आंख लगा दी, अब देखो इसकी आंख के नीचे से देखो ये नई आंख निकल के चल दी। अब ये काट लेंगे आज। हाँ। आज ये बड़े वाले काट लेंगे, वैसे तो ये हमें काट के लगाने थे। हाँ जी। लेकिन इन्हें काटना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो गायें आ रही हैं, देखो ये खा लिए, हमने आंख लगाई थी। हाँ जी। ये पेड़ बहुत अच्छा हो रहा था, ये खा लिया, ये खा लिया, इसलिए ये भी देखो ये वाला जूड़ा तैयार हो गया, इसे काट के ले लेंगे आज, इसे काटेंगे दूसरे को। तो पापा ले आओ दंती, अभी ले आऊंगे। हाँ, ट्रैक्टर पर से लाऊंगे। और देखो अमरूद का पेड़ था, वो नील गाय उसे भी खा गई सारे को। हमारे यहाँ नील गाय बहुत भयंकर हैं, छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी, तो सब खा जाती है। पतली सी होती है, कहीं ही बढ़ जाती है। हाँ, पतली सी होगा, कहीं ही बढ़ जा, कुछ भी खा जा। फिर तो पत्ते या बेल तो वे किसी तरह की नहीं छोड़ती, फेवरेट है। हाँ, उनका फेवरेट है, जैसे मेरे छोले भटूरे हैं। उनकी दवाई है वो, जो है ज्यादातर इसे दवाई समझती है। चलो इन्हें सुखा देंगे, उधर ले चलते हैं। चलो, तेरी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जा। नहीं, 7 मिनट की, 8 मिनट की होनी चाहिए। अब काट तो ये रखते हुए सब बोई थी, कई कई बार खा दी। उकड़ने दे रही, थोड़ी सी बड़े होते ही कर दिया काम। पापा, यहाँ पे तार बंदी करवाने का कब मूड है? अभी तो ना है, खैर अभी तो अब क्या करवा देंगे, पर पापा करवा दो सारी चीज का नाश। वो इसमें अंदर सारी चीज का नाश हो गया, सही बताऊ तो। और ये जुआर इतनी अच्छी हो जाती है, अब तक ये इन्होंने सारी तोड़ दी। आप इसी पेड़ से अंदाजा लगा लो ये कितनी बड़ा है पेड़। देखो पापा, अब सफाई कर रहे हैं, पहले सूखे कपड़े से करेंगे, फिर गिल्ला करके लाएंगे कपड़ा। अब ये कपड़ा सूखा है, अंशी अब तो एक दिन लग जाओ भाई। किस पे? सॉरी चीज, जो भी अपनी ऊपर तेल और ग्रीस लगाओ, जैसे ट्रैक्टर हो गया इसको धोना, पॉलिश करना, और इसका सामान टूट रहा है और इसकी अभी तक सर्विस भी नहीं हुई। इसकी सर्विस करवाएंगे 10 मिनट। ओके दोस्तों।